बैरल कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं आरबी हिंदी 100 मार्क्स का आंसर की, जो आप लोगों ने दिया है पार्ट वन का एग्जाम। तो आप लोग फटाफट से क्वेश्चन को निकालिए और आंसर को मिलाइए, ठीक है। कुछ कुछ आंसर हो सकता है गलती हो सके मेरे से, या फिर LNM भी गलती कर सकता है, ठीक है। तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक आध गलती हो सकता है, आप लोग ऐसे ब्लेम मत लगाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, कार्यालय पत्रों के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सरकारी पत्र की विधि को किन सोपानों से गुजरना होता है, कौन सी कर्म राही है। तो यहाँ पर हो जाएगा पत्र क्रमांक, दिनांक, प्रेषक का नाम, विभाग का नाम एवं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप लोग फटाफट से मिलाते रहिएगा। आप लोग क्वेश्चन में ऐसा मत लिखिएगा कि सर सेट सी बताइए, सेट डी बताइए, सारा क्वेश्चन एक ही होता है, केवल सीरियल वाइज बदल जाता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, बार बार कमेंट मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र में पत्र क्रमांक किस तरफ लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा बी, बाईं तरफ। अगला है, सरकारी पत्र में पत्र प्राप्तकर्ता का नाम, पद नाम एवं पता लिखा जाता है दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर लिखा जाता है। अगला है, सरकारी पत्र में प्रेषक के कार्यालय का स्थान तथा दिनांक लिखा जाता है पत्र के दाईं ओर, ठीक है। अगला है, टिप्पण को अंग्रेजी में कहते हैं, टिप्पण को अंग्रेजी में कहते हैं। इसका आंसर होगा डी, नोटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप्पण की कौन सी विशेषता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त सभी। अगला है, प्रारूप की कौन सी विशेषता है, प्रारूप की कौन सी विशेषता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला है, संक्षेपण में किस शैली का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला है, संक्षेपण मूल रचना को का कितना होना चाहिए, एक तिहाई, क्या होना चाहिए, एक तिहाई होना चाहिए, एक तिहाई। अगला है, अच्छे संक्षेपण में के कौन कौन से गुण होने चाहिए। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला है, वाइस चांसलर की पारिभाषिक हिंदी क्या है। इसका आंसर होगा कुलपति। अगला है, लीज रेंटल की पारिभाषिक हिंदी क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, पट्टा भाड़ा। अगला है, मोर्टेज की पारिभाषिक हिंदी क्या होगी। इसका आंसर होगा ए, बंधक। आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा सेशन को। अगला है, सिक्योरिटी की पारिभाषिक हिंदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, प्रतिभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से मिलाते जाइए, ट्रेजरी की पारिभाषिक हिंदी है, ट्रेजरी की पारिभाषिक हिंदी क्या होगी। इसका हिंदी क्या होगा, कोष, ए। इसका आंसर क्या होगा, बी, कोष। अगला है, वैल्यूएशन की पारिभाषिक हिंदी क्या होगी। इसका आंसर होगा बी, मूल्यांकन। अगला है, ऑनरशिप की पारिभाषिक हिंदी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वामित्व, ए, स्वामित्व। अगला है, पार्शियल लॉस की पारिभाषिक हिंदी क्या होगी। इसका आंसर है आंशिक हानि, सी, आंशिक हानि। सब में टिक लगा हुआ है, देखते जाइए फटाफट से। अगला है, डिमांड लेटर की पारिभाषिक हिंदी क्या होगी। इसका आंसर होगा ए, मांग पत्र। अगला है, नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन, आँख का अंधा, गांठ का पूरा का अर्थ। इसका आंसर होगा ए, वह व्यक्ति जो मूर्ख परंतु धनी हो। अगला है, आँख का अंधा नाम नयन सुख। इसका आंसर होगा ए, गुण के विरुद्ध नाम का रखना। अगला है, ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा। इसका आंसर होगा ए, बहुत थोड़ा। अगला है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहता है कृतघ्न होना। कृतघ्न होना मतलब कि उसके उपकार को भूल जाना, ठीक है। अगला है, आंखें भर आना। इसका आंसर होगा ए, आंसू आ जाना। फटाफट से देखते जाइए, सिर मतना मुहावरे का अर्थ है ए। इसका आंसर होगा ए, जबरदस्ती आरोप लगाना। क्या होगा, जबरदस्ती आरोप लगाना। अगला है, आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का अर्थ क्या है, ए, दोनों ओर विपत्ति होना। अगला है, अंडे का सहजादा मुहावरे का अर्थ है डी, अनुभवी व्यक्ति। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया हुआ है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये सारा नोट्स, PDF इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको LNMU से जुड़े हुए मिलते रहेंगे। कब आपका रिजल्ट आएगा, अगर प्रमोट हो गए तो क्या करना है, हर चीज़ आपको हम लोग टेलीग्राम चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो ज्वाइन कर लीजिए, अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, थैंक यू। अगला है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका राइट आंसर होगा डी,
सुरेश के लिए पत्र लिखना है। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका आंसर सी होगा, गुरु आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? इसका आंसर ए होगा, यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 32 नंबर इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अगला है, वह एक वाक्य शुद्ध है, इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर होगा डी, पेड़ से पत्ता गिरा, डी हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप लोग जरूर अपना बताइएगा कमेंट में, कितना आपको मार्क्स मिला, कितना स्कोर आप कर पाए। ठीक है, अगला है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए प्रयुक्त उपयुक्त शब्द क्या है? इसका आंसर होगा सी, निर्मम। निर्मम थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी होगी क्योंकि ये ब्लर दिख रहा है ना, तो आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप समझ जाइए। अगला है, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है, इसका आंसर क्या होगा? असाध्य, बी हो जाएगा, असाध्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो के लिए एक शब्द है, इसका आंसर होगा अकिंचन, अकिंचन। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वालों के लिए एक शब्द बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मुमुच्छ। अगला है, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? नेपथ्य, नेपथ्य। मिलाते जाइए, रेड रंग से लिखा हुआ, ठीक है, रेड रंग से टिक किया हुआ है, बोलते भी जा रहा हूँ। अगला है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या है? डी हो जाएगा इसका, समिधा, डी हो जाएगा इसका आंसर क्या? इसका आंसर हो जाएगा डी, समिधा। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका राइट आंसर होगा बी, उज्ज्वल। इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्ज्वल। दोस्तों अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, ताकि आप हर एक नोटिफिकेशन, जो भी करंट नोटिफिकेशन आया LLMU से, आपको मिलता जाए। थैंक यू। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसका ए होगा, रचयिता, रचयिता। अगला है, शुद्ध शब्द क्या है? इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी, कुमुदिनी, कुमुदिनी, बी होगा। ठीक है, अगला है, प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, निर्वृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? निवृत्ति। अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? क्षर। अक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? क्षर। कुसुम का विलोम क्या होगा? कुसुम का विलोम क्या होगा? कठोर। कुसुम का विलोम क्या होगा? कठोर। भौंरा का पर्यायवाची है, भौंरा का क्या पर्यायवाची है? भौंरा का पर्यायवाची है द्विरेप। भौंरा का पर्यायवाची क्या है? ए हो जाएगा, द्विरेप। मछली का पर्यायवाची नहीं है, मछली का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर होगा डी, जलोदरी। अगला है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, इसका आंसर होगा सी, शार्दुल, शार्दुल है ना, शार्दुल होगा। अगला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? इसका आंसर होगा शार्दुल। मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? शार्दुल। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है, इसका राइट आंसर होगा अच्छ, अच्छ, डी हो जाएगा, अच्छ। 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगला है, किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? सुमित्रा नंदन पंत, ए हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि को कहा गया है? निराला जी को, अपने बी हो जाएगा, निराला जी को। अगला है, अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित हैं, इसका क्या आंसर हो जाएगा? निराला जी। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप हमें टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिए आपको कोई भी फीस या फिर बिल्कुल फ्री है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। अगला क्वेश्चन है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? इसका आंसर होगा ए, रामचरितमानस। अगला है, आधुनिक हिंदी काव्य सरिता के संपादक कौन है? इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र, डॉक्टर उमेश चंद्र मिश्र। अगला बढ़ते हैं आगे, ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? इसका राइट आंसर होगा कलाधार, ए बी, कलाधार, बी हो जाएगा। अगला है, प्रसाद दार्शनिक दृष्टि से थे, जो प्रसाद जी थे
वो दार्शनिक दृष्टि से क्या थे? वैष्णव। अगला है, पंत का वास्तविक नाम क्या था? इसका राइट आंसर होगा गुसाई दत्त। राइट आंसर क्या होगा? डी, गुसाई दत्त। अगला है, बचपन में जयशंकर प्रसाद का क्या नाम था? इसका नाम, इसका राइट आंसर होगा सी, झारखंडी। अगला है, कामायनी का प्रमुख छंद क्या है? फटाफट से दोस्तों बताना आप लोगों को, कामायनी का प्रमुख छंद क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए, टाटंक। टाटंक, ठीक है, टाटंक। अगला है, आश्रु, आश्रु किस छंद में रचित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। देख लीजिएगा, गलत होगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, एक आध गलत हो सकता है, ठीक है, श्योर नहीं हूँ, हो सकता है एलन में थोड़ा वो अपना एमसीक्यूस क्या देता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से पंक्तियाँ किस नाटक की है? इसका राइट आंसर होगा डी, चंद्रगुप्त। अगला है, मनोज का श्रेय के कवि हैं? डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? डी, रामधारी सिंह दिनकर। इतिहास की हवा के कवि कौन है? इतिहास की हवा के कवि कौन है? इसका राइट आंसर होगा सी, अज्ञेय जी। अगला है, वे लोहा पीट रहे हैं तो मन को पीट रहे हो, पंक्ति किसकी है? नागा अर्जुन जी, नागा अर्जुन। अगला है, कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला है, कामायनी में मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? मनु का पुत्र कुमार किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, कामायनी में श्रद्धा, तो कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो आंसर हो जाएगा क्या? हृदय का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर, कामायनी में ईरा किसका प्रतीक है? कामायनी में ईरा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे बात करते हैं, हरिवंश राय बच्चन की कौन सी कृति हालावाद की धर्मग्रंथ मानी जाती है? मधुशाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्वेश्चन कुछ ब्लर है, हिंदी में विशाल मंदिर की वीणा पानी कहलाती है? आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आपने भी महादेवी वर्मा में अगर टिक मारा है, गोला किया है, देन वो राइट आंसर है, आपके एक मार्क्स बन गए। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसकी है? तो आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध की। क्वेश्चन नंबर 73, यगीत भूख और प्यास भागता है जी, यह मसान में भूत भागता है, किनकी पंक्ति है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंत जी की। एक सन्नाटा बुनता हूं के कवि कौन है? इनका आंसर हो जाएगा अज्ञेय है। मैं नाड़ी भरी दुख की बादल किस कविता की पंक्ति है? आंसर हो जाएगा बदली, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, देख सकते हैं थोड़ा ब्लर है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बट इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्याल पर विजय। किस कवि ने अपने बारे में कहा कि वह छायावाद की ठीक पीठ पर आए? रामधारी सिंह दिनकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ में दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रेमचंद ने की थी। तार शब्द के कवि कौन है? आंसर, राइट आंसर मुक्तिबोध हो जाएगा। अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्या होगा? वाराणसी में हुआ था। किस कवि ने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक उपयोग किया है? आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुक्तिबोध राइट आंसर हो जाएगा। दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो क्या हो जाएगा सर? उर्वशी। कहने लगा चांद के कवि कौन है? कहने लगा चांद के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। युधिष्ठिर की आत्मग्लानी का क्या कारण था? अज्ञातवास था। आइए 86 नंबर देख रहे हैं, अय्यारी रोशनी के कवि कौन है? तो मुक्तिबोध जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सर धर्मवीर भारती का जन्म कहाँ हुआ था? तो धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था सर? उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। सांझ के बादल के कवि कौन है? धर्मवीर भारती राइट आंसर हो जाएगा।
गीत खो गए कहाँ, छंद सो गए कहाँ, किस कविता की पंक्ति है? तो कवि और कल्पना राइट आंसर हो जाएगा। अधैर्य के कवि किस कवि को कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है। आइए 91 नंबर, किस कवि की कविता स्वाधीन भारत की दृश्य दस्तावेज, देख सकते हैं धुंधला है, तो इसका जो आंसर है मुक्तिबोध हो जाएगा, थोड़ा धुंधला है, ब्लर आ गया है, आप लोग अपना मिला लीजिएगा भाई। सांझ के बादल किसकी कल्पना है? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत का भाव है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, दोनों बोध हो जाएंगे, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर कोई न छावदार किस कविता की पंक्ति है? तोड़ती पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। शमशेर सिंह का आत्मसमर्पण किस छंद में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुक्त छंद, ए आंसर हो जाएगा। वे और तुम कविता का संबंध है किससे? संबंध है मजदूर से है। नागार्जुन ने वसंत की अगवानी कविता में किस पशु पक्षी का चित्रण किया है? तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। किस छायावादी कवि को औज औदात्त एवं विद्रोह का कवि माना गया है? तो निराला जी, आ जाइए आंसर। तीसरा सप्त का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1959 ईस्वी में हुआ था। धर्मवीर भारती की काव्य कृति है, धर्मवीर भारती की काव्य कृति है तो सर ठंडा लोहा, अंधा युग, सात गीत वक्ष, उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो 100 क्वेश्चन हमने देखा, आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताएं। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन डू द लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ आंसर की वीडियो, ठीक है। तो अब इंग्लिश का 50 मार्क्स का बचा है वो भी करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप, आप टेलीग्राम चैनल में जब आएंगे बायो कॉमर्स क्लास में, तो उसमें आप टेलीग्राम ग्रुप में भी चले जाइएगा, वहाँ पर भी आपको आप जो कुछ भी आपकी जो क्योरी है वो पूछ सकते हैं, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट LMNU। तो थैंक यू वेरी मच।